सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, कैरियर से होंगे। आज मैं आपको जर्दा बनाना सिखाऊंगी। देखिए स्टाइल में जर्दा कैसे बनते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने पानी लिया 1 लीटर तक और उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। ठीक है, जैसे ये बॉयल होगा फिर हम उसमें चावल डालेंगे। तक पानी में बॉयल आता है, मैं आपको दिखा दूं कि मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब चावल दे दिए और मैंने जर्दे के चावल दे दिए और इसको तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। 1 घंटे भिगोना भी इसके लिए काफ़ी होता है क्योंकि ये बॉयल होते ही खुद ब खुद पक जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, 1 घंटे के लिए आपने ज़रूर इसको भिगो देना है। अब हम अपने पानी को देखते हैं कि बॉयल आ चुका है या नहीं। पानी तकरीबन हमारा बॉयल हो चुका है 2 मिनट के बाद। अब मैंने चावलों का जो है पानी है वो निकाल दिया है, अब इनको डाल देंगे इसमें। तमाम चावल को मैंने इसमें डाल दिया, अच्छी तरह से चम्मच चला देंगे। इसकी मिक्सिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चावल हमारे तकरीबन 5 मिनट के बाद देख सकते हैं कि बॉयल हो चुके हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसको छान लेंगे और नेक्स्ट रख देंगे। चावलों को मैंने निकाल लिया है, अब उसी पतीली में मैं तकरीबन 1 कप के करीब पानी डालूंगी। इसके बाद पानी डालने के बाद थोड़ा सा पानी हमारा गर्म होने लग गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप तक चीनी। मैंने 1/2 कप ली है, आप अपने हिसाब के मुताबिक, कोई मीठा कम खाते हैं कोई ज़्यादा, तो आप अपने हिसाब के मुताबिक कर सकते हैं। आप चीनी को हम ऐड कर देंगे बहुत अच्छी तरह ताकि इसकी चाशनी बन जाए। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। पहले इसको मेल्ट करके इसकी चाशनी अच्छी तरह से बना देते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका बताती हूँ कि आप लोगों ने आगे क्या करना है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन चीनी मेल्ट हो चुकी है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया और हमारी चाशनी भी बन के ये देखिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ापन आ गया इस पर। ठीक है, अब हम इसमें बॉयल चावल डाल, अब मैं इस चाशनी में ये बॉयल चावल डाल दूँगी जो हम लोगों ने निकाले थे। और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि जो इसमें चाशनी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बता दूँ। अब मैं इसमें 3 कलर यूज़ करूँगी। सबसे पहले ऑरेंज कलर देंगे, फूड कलर ये मैं डालूँगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें रेड कलर शामिल करूँगी और थोड़ा सा इसमें मैं ग्रीन कलर शामिल करूँगी। और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। 5 मिनट दम देने के बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल दिखाऊंगी। दम को आए हुए 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ढक्कन उठा के इसको चेक करती हूँ। अब हम इसमें हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने चम्मच चलाना है, थोड़ा थोड़ा इसमें कलर को ऐसे मिक्स करना है ताकि ये तमाम चावलों में ना फैले ऐसे। जब आप देखें कि ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, फिर आपने तमाम चावलों में चम्मच चलाना है और उसके बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा से दम के रख देना। अब आप देखेंगे माशाल्लाह से जर्दा हमारा बहुत खूबसूरत अंदाज में तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे।
इसमें मैं तकरीबन आधा चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डालूंगी। ठीक है, पहले इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जो है हमारे कलर के फैलने का खतरा था। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हम इसको 5 मिनट मज़ीद दम पे रखेंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और दम आ चुके हैं। दिल्ली स्टाइल रायता हमारा तैयार हो चुका है। आप बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कम इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।